नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने घर मोहल्ले या स्कूल के 360 फ़ोटो को कैसे अपलोड कर सकते हैं। आप बहुत सारे गूगल मैप में सर्च किए होंगे, जो कि नीचे में आइकन में 360 फ़ोटो का ऑप्शन आता है, ये आप कैसे अपने घर का मोहल्ला का कैसे अपलोड कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कैसे अपलोड किया जाता है। किसी मैप को 360 में देखने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करना पड़ेगा, स्ट्रीट व्यू, जो कि मैंने ऊपर में सर्च करके रखा है। इसको आपको सर्च कर लेना है और आपको जो ऊपर में भी एप्लीकेशन दिख रहा है उसको डाउनलोड करना है, जो कि मेरा पहले से डाउनलोड है। सबसे पहले उस एप्लीकेशन में आ जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है ऊपर में, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे साइड एक क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट में आपको क्लिक कर जाना है। उसके बाद आपको ऊपर में एक दिख रहा होगा क्रिएट ए लुक अराउंड प्रोग्राम, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जो कि आपको चारों तरफ का एक 360 का व्यू मिलेगा, आपको फ़ोटो लेना है। चलिए हम अपना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कर लेना है। मैंने तो अच्छे से सका नहीं, आप अच्छे से क्लिक कर लेना है फ़ोटो, उसके बाद यहाँ पे सही पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको राइट साइड नीचे एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है और आपको ऊपर में जो रिलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, ये फ़ोटो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से एक बार क्लिक करके यहाँ से देख भी सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि अपलोड करने का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, हमारा जो फाइनली डाउनलोड हो गया, जो हमने क्लिक किया था फ़ोटो को, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके एक बार देख लेना है कि हमारा फ़ोटो वो किस प्रकार से आया है। मैंने तो क्लिक करने नहीं सका बढ़िया से, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ख़राब हो गया। उसके बाद जो है अच्छा है, उसके बाद मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे पब्लिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ कंटिन्यू क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये जो अपना एड्रेस है जहाँ पे मैंने इस फ़ोटो को क्लिक किया, वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? और मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जब फाइनली अपलोड हो जाएगा, उसके 15-20 मिनट बाद ये आपको गूगल जो आपको मैप है उसमें मिल जाएगा। तो मैं वो भी दिखाऊँगा, तब तक के लिए मैं वो भी दिखाऊंगा। तो 15 मिनट बाद फिर मिलते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं 6:21 हुआ है, मैं आधा घंटा बाद इसको फिर स्टार्ट करूंगा, यानी कि मैं 7 बजे देखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये अपलोड हो चुका है।